टिंग अबाउट मेडिटेशन और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक एज ग्रुप के बच्चों को बल्कि स्कूल्स में मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करानी चाहिए इट इज़ नथिंग टू डू विथ रिलिजन आप किस कम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं इट इज़ जस्ट अबाउट जैसे हम बाहर जाते हैं बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए इट इज जस्ट अबाउट गोइंग इन साइड डज इन मीन यू आर एन इंट्रोवर्ट बट जस्ट गोइंग इन साइड है ना अपने अंदर जाना And it is very important, and why it is important, and how does it benefit children? Well, we have to ask from someone. Of course, she is my daughter, but uh, you know, I have always tried and made her meditate since she was very young. So, jitna tidbits me, paache bina force ke kar Am I right? Did I really force you to do it? No, she didn't. meditation is something which comes. मन से एकदम यू नो कि जैसे दिन में कभी खिंच चल रही है फ्रेंड से लड़ाई हो गई या कभी लो फील हो रहा है जिससे अटेंशन चाहिए वो नहीं मिल रही है सो so, पूरा माइंड इतना डिस्टर्ब सा हो जाता है सो यू नीड सम पेशेंस यू नीड टू फील पीस इनसाइड यू सो मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन दैट वे तो आप कैसे मेडिटेट करते हो अच्छा सपोज किसी से लड़ाई हुई है उस दिन कौन सी वाली मेडिटेशन होती I है चक्रा यू टू गेन मोर फोकस To feel more confident about myself and to feel more patient. And sometimes, I see YouTube par water. Ki sound. Laga ke, I concentrate on the sound and it just feels so refreshing. So, your friends do they make fun of you when they get to know that you meditate or you don't share with them? What <laughs> Why do, you do we have to share? Okay, so that is also a point because it is something internal. So you feel that yeah. share pe they might comment you might not like it. No, I feel it's sort of a power.

जैसे नॉर्मल टेरेस पर चले जाओ गार्डन चले जाओ जस्ट क्लोज पेड़ों के बीच में बैठो एंड जस्ट ब्रीथ मतलब अपनी ज़्यादातर मेडिटेशन किस लिए होती है कि आपको अपनी ब्रीदिंग पर आपको ध्यान रखना होता है सो दैट्स यू कैन डू रात को कमरे में बैठ कर भी hmm. so, do do हफ्ते में कितनी बार एवरी सेकेंड और थर्ड डे तो इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी बिना प्रॉब्लम के भी हो जाता है कभी ऐसे बिना प्रॉब्लम के भी हो जाता है एंड वुड यू रेकमेंड टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर ऑफ योर एज एंड यू नो वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इससे बेटर कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्या इससे स्किन ग्लो करती है यू नो डिड यू नोटिस एनी सच चेंज और समथिंग या आई नोटिस फ्यू चेंजेस आई मीन आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माय सेल्फ एंड my skin is glowing yeah. <laughs> i hope so. so it's just because of meditation or is it also because of आपकी पूरी माइंड सेट पर बहुत इम्पैक्ट करता है तो एक वो भी है और ऐसा लगता है कि यू नो दिन बड़ा ही अच्छा अच्छा सा जा रहा है कूल कूल सा जा रहा है ग्रेट थैंक यू देट इज़ वेरी हेल्पफुल सो आई थिंक एनी बडी हुआ बॉयज यू नो यंग एज से एक अडल्टुड की तरफ या टीन एज की तरफ जाते हैं दैट इज़ द टाइम वैन योर रूट शुड बी डीपली सबमर्ज इन मेडिटेशन एंड वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज किसी का एक ड्रेस पर कमेंट दस लाइक कम आ जाना यू नो वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर सो मच अफेक्टेड बाई सोशल ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन दिस कीप्स यू ग्राउंडेड दिस कीप्स यू नरिश्ड फ्राम इनसाइड है ना जैसे एक रूट की ट्रीज अगर अच्छी रहती हैं तो यू नो मौसम बदलता रहता है तो भी पेड़ पर पतझड़ आता भी है तो भी वापस पत्ते आ जाते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चिल्ड्रन आउट दैर टू फील वेरी कॉन्फिडेंट टू फील वेरी फोकस्ड और इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है आप किसी सिंपल कैंडल जलाकर भी मेडिटेट कर सकते हैं शी हैज़ डन दैट कुछ साल पहले इट इज़ इट साउंड्स लिटिल बोरिंग लेकिन आप म्यूजिक लगाकर अपने माइंड को एक ही पॉइंट पर फोकस पर ले आएँ तो आप पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे अदर देन दैट आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं जब आप यू you नो know, आप किसी पेड़ वेड़ के नीचे बैठे हैं या वैन देर इज़ लॉट ऑफ कच्ची मिट्टी अराउंड जैसे यहाँ पे मिट्टी है पानी है जो सिट दैर अपने हाथ को मिट्टी के अंदर सबमर्ज कर लीजिए ये आपकी रूटिंग को स्ट्रॉन्ग करती है सिमिलरली आप दो छोटी छोटी चीज़ें और कर सकते हैं जब आप बुक पढ़ने लगे या आपको लगे कि इस सब्जेक्ट में ना मेरा इंटरेस्ट नहीं है मतलब ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो गई शी इज़ रिमेंबरिंग हर डेज इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे दिक्कत होती है ये सब्जेक्ट पढ़ने में तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको करना है

रील बनाते हैं ना कैमरा पे कैसे स्लो मोशन चलता है ऐसे माइंड भी स्लो मोशन में सब कुछ अब्सॉर्ब कर सकते हैं दैट्स अ क्विक टेक्निक विच यू कैन डू बिफोर इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू कि इसमें ध्यान नहीं लग रहा सो दीज आर द थिंग्स विच आर मैंट फॉर चिल्ड्रन अडल्ट पीपल इन देयर ओल्ड एज एवरीबडी एंड ट्रस्ट मी डू इट फॉर फ्यू डेज लाइक थर्टी फोर्टी डेज यू विल सी द चेंज विद इन यू एम आई राइट यू मस्ट ट्राई एंड यू नो बिफोर गोइंग आई मस्ट बी वेरी Uh, thankful to her i must say that my daughter is very camera shy and she hates doing what i make her do but i make her do because i want people to understand ki it is not impossible it is not difficult when a child can do definitely we all can do and i'm so thankful she she doesn't like what i push her into you know but i feel that uh, uh, i'm very thankful for her being part of this being part of you be part of us our conversation so thank you <laughs>